नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सीट बड़कागांव, प्रत्याशी अंबा प्रसाद कांग्रेस से, लोकनाथ प्रसाद भाजपा से, रोशन चौधरी आसू से, दुर्गा चरण प्रसाद झाविमो से। कांग्रेस की अंबा प्रसाद ने आसू के रोशन लाल चौधरी को 31,514 वोटों से हरा दिया है झारखंड की सीट से। बड़कागांव सीट जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने यहां से अंबा प्रसाद को टिकट दिया था। अंबा के पिता योगेंद्र साव 2009 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक और फिर मंत्री बने थे, हालांकि उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर मां निर्मला देवी 2014 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी, पुलिस ने इनको तड़ी पार कर दिया। 2019 के चुनाव में इस बार बेटी यहां से चुनावी मैदान में थी, इसका नाम अंबा प्रसाद है, यानी कि पहले पिता फिर माँ और अब बेटी चुनावी मैदान में थी। 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार में अंबा प्रसाद के पिता कृषि मंत्री थे। योगेंद्र साव पर 24 मुकदमे चल रहे थे। रामगढ़ स्पंज आयरन फैक्ट्री से रंगदारी मांगने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं 1 अक्टूबर 2016 में उन्होंने एनटीपीसी की ओर से अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे की बढ़ोतरी के लिए कफन आंदोलन किया। इस आंदोलन में पुलिस फायरिंग हुई और 4 लोग मारे गए। झारखंड में लोग इसे बड़कागांव गोलीकांड के नाम से जानते हैं। आंदोलन में योगेंद्र साव की पत्नी और विधायक निर्मला देवी भी शामिल थी। इस मामले में भी मुकदमा चल रहा है, जहां 4.25 लाख प्रति एकड़ मुआवजा मिल रहा था। गोलीकांड के बाद 20 लाख प्रति एकड़ मिलने लगा। इस चुनाव में अम्मा प्रसाद का मुकाबला आसू प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी से था। भाजपा ने लोकनाथ महतो को मैदान में उतारा था। यहां पर राहुल गांधी ने रैली भी की थी। अम्मा की बात करें तो वो MBA BBA लॉ की पढ़ाई कर चुकी हैं। द प्रिंट से बातचीत में उन्होंने कहा था कि पापा के जेल जाने से पहले मैं दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रही थी, यानी IAS बनना चाहती थी। इस बीच मां पर राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमे ला दिए गए, ऐसा उनका कहना है। इन सब स्थितियों के बीच उनको पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर वापस लौटना पड़ा। पहले तो दिल्ली की दौड़ लगाती रहीं, राहुल गांधी से मुलाकात की, उनसे कानूनी मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया। उन्होंने ध्यान से उनकी बात सुनी और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों से मदद करने के लिए कहा। पापा का सपना था, ऐसा बेटी कहती हैं अम्बा, कि पापा का सपना था कि राहुल गांधी को वो अपने इलाके में एक बार लेकर आएं। उनका यह सपना उन्होंने पूरा कर दिया। 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने बड़कागांव में अम्बा सहित कई अन्य प्रत्याशियों के लिए जनसभा की और रिजल्ट अम्बा के पक्ष में रहा। अम्बा चुनाव जीत चुकी हैं। राहुल गांधी की रैली सफल रही, कम से कम इस सीट पर। अंबा प्रसाद के रिजल्ट हमने आपको बताया। ऐसे ही और तमाम सीटों के बारे में, झारखंड के रिजल्ट के बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए dlallantop.com। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।